नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई, मोदी सरकार ने नहीं मांगा डेटा। सिसोदिया का दावा, केंद्र से इस बारे में नहीं मिली कोई चिट्ठी। कहा, केंद्र भले ही ना मांगे रिपोर्ट, लेकिन हम खुद भेजेंगे इस बारे में पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में फिर से पूरी तरह से स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्कूलों के प्रिंसिपल के बीच बैठक। प्रधानाचार्य का सुझाव, अब खोले जाएं स्कूल कॉलेज। पीटीएम के दौरान ज़्यादातर अभिभावकों ने स्कूल खोलने के दिए थे सुझाव। कोरोना काल में 1.5 साल से हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। हेड स्पीच मामले में बीजेपी नेता समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कनोट प्लेस थाने के बाहर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ संगठनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी पर प्रदर्शन के दौरान एक धर्म विशेष के खिलाफ की थी भड़काऊ नारेबाजी। दिल्ली सरकार पर एथलीट ने लगाए कोई आर्थिक मदद नहीं मिलने के आरोप। एथलीट सार्थक भांवरी बोले, दिल्ली सरकार ओलंपिक की तैयारी के लिए कभी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आई, मुझे कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, जबकि प्रचार के लिए करोड़ों के बैनर पर हमारी फोटो लगा दी गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 65,000 से ज़्यादा टेस्ट करने के बाद मिले 52 नए पॉजिटिव केस। एक मरीज की हुई मौत, 45 मरीज हुए ठीक। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या एक बार फिर 500 से पार। 268 मरीजों का अस्पताल में और 180 मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अगले 6 महीने के अंदर दिल्ली में बनाए जाएंगे 7 अस्थायी अस्पताल। इन अस्पतालों के तैयार होने के बाद दिल्ली में बढ़ जाएंगे 7,000 ICU बेड्स। ये अस्पताल दिल्ली के सरिता विहार, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, किराड़ी, रघुवीर नगर, GTP अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में होंगे तैयार। दिल्ली में गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत। कोरोना का टीका लगाने के लिए अलग से अस्पताल जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। रूटीन जांच के दौरान ही स्वास्थ्य केंद्र में लगेगा कोरोना का टीका। दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय ने जारी किया आदेश। कोरोना के बीच दिल्ली NCR में बढ़ा वायरल फीवर का खतरा। अस्पतालों में बढ़ने लगी भीड़। बारिश की सीजन में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों में भी हो रहा इजाफा। 1 जनवरी और 7 अगस्त तक दिल्ली में मिले 55 डेंगू के मरीज। इस साल एक भी नहीं हुई मौत। राजधानी दिल्ली में NDMC एरिया में करीब 10 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाने की योजना। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, निर्माण भवन, केंद्रीय सचिवालय और न्यू मोती बाग क्षेत्रों समेत ल्यूटियंस दिल्ली को जोड़ेगा साइकिल ट्रैक। योजना के लिए उपराज्यपाल की मिल चुकी है मंजूरी। और दिल्ली में आज से फेसलेस स्कीम के तहत 4 MLO दफ्तर बंद। अब घर बैठे मिलेगा DL और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फेसलेस स्कीम के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने IP स्टेट, सराय काले खां, जनकपुरी और बसंत विहार MLO किए बंद। अब घर बैठे ही मिलेगा परिवहन विभाग से जुड़ी सारी सुविधाएं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।